ऐसी तो कोई ट्रिप हो ही नहीं सकती जिसमें कोई इशू ना आए। तो मेरी चेन बेल्ट और गियर टूट गया है। जाना पठानकोट है, यहाँ कोई शेड है नहीं, सो आई नीड। तो गाइस मैं जलंधर कल काफ़ी लेट पहुंचा था, तो ये है चेतन भाई, इन्होंने मुझे होस्ट किया था यहाँ पे, और ऊपर आंटी है जिन्होंने मस्त पराठा खिलाया सुबह ब्रेकफास्ट में, और ये इनके ब्रदर। और अब मैं निकल रहा हूँ पठानकोट की तरफ। चेतन भाई ना थोड़े कैमरा छाए हैं, सो ये ब्रदर मेरे साथ चल रहे हैं बाहर तक, और उसके बाद हम निकलते हैं पठानकोट के लिए। जरूर जाएंगे, और ठीक है भाई, बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ जो हमारे जैसे बंदे हैं इनको सपोर्ट करें ताकि ये पहुँचे 5 से 10 किलोमीटर तक चलाएं। सो गाइस आई लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माय कंटेंट, सो सी यू सून इन पठानकोट। सो अर्ली मॉर्निंग, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, 11 बज रहे हैं, और पूरी स्वेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आई एम ऑन द फ्लाई ओवर जलंधर, और अब मैं निकला हूँ पठानकोट। बहुत कंजेस्टेड सिटी है ये भी। ओके सो ही इज ऑल्सो साइकिलिस्ट, ही मेट ऑन द वे टू जलंधर, और लाइक ग्रेट एफर्ट मैन, प्राउड ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच। सो आगे चलते हैं, ऐसे लोग मिलते रहते हैं ना, बहुत मोटिवेटिंग होता है हमेशा मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज अनबेरेबल धूप हो रखी है मेरे लिए, तो कंटिन्यूसली स्वेटिंग, और ये जूस और बनाना इसके सहारे में चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आज धूप है, बट एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मिलते हैं आगे यार, आज मैं बस एक ही टेंशन ले रहा हूँ, इतनी लेट हो जाएगा पहुँचते, क्योंकि बार बार रुकना पड़ रहा है, धूप इतनी ज़्यादा है, और ऑलरेडी मैं लेट निकला था काफ़ी। सो लेट्स सी क्या होता है। ऐसी तो कोई ट्रिप हो ही नहीं सकती जिसमें कोई इशू ना आए। सो मेरी चेन बेल्ट और गियर टूट गया है, और मुझे इसमें से दोनों में से कुछ भी लगाना नहीं आता है, तो अब मुझे ये अपनी बाइसिकल टो करानी पड़ेगी। आई डोंट नो, मैं जलंधर से 40-50 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, जाना पठानकोट है, और वेदर आप देख ही लो, पूरा सन, यहाँ कोई शेड है नहीं, सो आई नीड अ लिफ्ट। अब क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, पठानकोट में से ही करानी पड़ेगी अगर हो पाई तो, वरना मुझे आगे का कुछ पता नहीं अभी क्या होगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी सही हो जाए या मुझे लिफ्ट मिल जाए, एक काम दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग। सो दिस पार्ट इज ब्रोकन, और ये पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, ये अटक चुका है। आई एम ऑन द मिडल ऑफ हाईवे यार, आई डोंट नो अब कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। मेरी बाइसिकल की चेन टूट गई है, और उसका गियर का जो नॉब होता है वो भी मुड़ गया है। सो मैं कहीं श्रीनगर दिखा हुआ है 490 जम्मू वाले, मैं 40 किलोमीटर जलंधर से निकल चुका था, एंड आज मेरा रास्ता था पठानकोट का, बट आई एम सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, ऐसे ट्रैवल करना है। अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है तो ठीक है, बिकॉज़ यहाँ तो कोई मार्केट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और पूरे खेत हैं यहाँ पे, सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। सो होप फॉर द बेस्ट, काश लिफ्ट ही मिल जाए,
आगे कहीं सिटी आएगी उसमें साइकिल की दुकान होगी, मैं वहाँ रिपेयर करा सकता हूँ। बट मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगने वाला है। अभी टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 2:30 और शाम तक मुझे आज पठानकोट पहुँचना था। अब देखते हैं मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता, सबसे मेन ये है। ब्रोकन चेन और गियर नॉब बेंड हो गया है, आई डोंट नो हाउ बट ठीक है। एंड नोबडी इज देयर टू हेल्प एज फॉर नाउ। अब मैं इंतज़ार तो कर नहीं सकता ज़्यादा देर, कहीं पेट्रोल पंप के आसपास जाके देखता हूँ, अगर कोई मिलता है तो ठीक है, वरना टो तो कराना ही पड़ेगा। सो गाइस स्टे कनेक्टेड। ये तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, चेन टूट गई और गियर मुड़ गया। अब गियर सही हो जाए तो थोड़ी स्लो चला के किसी मार्केट तक पहुंच जाऊंगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। और किसी ट्रिप पे अगर ये सब ना हो तो क्या ट्रिप। I don't know, अभी सही हुआ है कि नहीं हुआ चला के देखता हूँ। ओके सो नहीं हुई मेरे से वो सही, बस थोड़ा सा रिपेयरेबल हो गया कि मैं उसको अब लेके ना चल पा रहा हूँ पैदल। और मैं कहीं रास्ते में हूँ पठानकोट के लिए, ये पता नहीं कौन सी जगह है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे पैदल जाना पड़ेगा और लिफ्ट मिल नहीं रही है। सो लेट्स सी। ओके सो मैंने थोड़ा ट्राई करने के बाद गियर को तो सही कर दिया है, मतलब सही नहीं हुआ है, आवाज़ आ रही है बट वो इम्प्रॉपर सही हो गया है कि अब पेडल कर रहा हूँ तो चल रही है साइकिल। बट मैं अब एक रिस्क ले रहा हूँ, जो चेन का लॉक टूटा हुआ है वो मैंने जैसे तैसे ना अटका दिया और जैसे ही चेन से निकलता है तो चेन बिल्कुल टूट जाएगी। तो लेट्स सी मैं जहाँ पे साइकिल रिपेयर की दुकान है वहाँ तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट। सो ये कंडीशन है। मेरे पास टूल्स थे, मैंने कोशिश की, वो थोड़ा सा हो गया। लेट्स सी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए जब तक मैं किसी सही सिटी में पहुँच नहीं जाता जहाँ पे रिपेयर की शॉप है, वरना मुझको पैदल चलना पड़ेगा। सो आई ट्राइड दिस पार्ट और ये पॉसिबली हो गया है थोड़ा बहुत। तो जब चीज़ें सही होती हैं एक ही बारी में सब सही होती है। साइकिल भी मैंने थोड़ी बहुत रिपेयर कर ली,
एंड पंजाब में लंगर का खाना। तो गाइस ये वाली चेन की मैं बात कर रहा था है? ऐसे दो स्लॉट टूट गए हैं, सो मैं रिस्क लेके चला रहा हूँ जब तक टूटा हुआ है। बाइक को मैंने अपने जैसे तैसे जुगाड़ के सही कर लिया, बट एक बात तो पहले दिखानी ही पड़ेगी उसको, बिकॉज चेन का लॉक टूटा हुआ है, पूरी तरह टूट गया तो चेन निकल जाएगी। आज ऑलरेडी लेट होने वाला है क्योंकि मेरा एक डेढ़ घंटा तो वैसे ही ख़राब हो गया पैदल चलने में। फिर मैंने खुद ही टूल से कोशिश की, थोड़ा बहुत बेरेबल है चीज़ें, सो होप फॉर द बेस्ट एंड कश्मीर आई एम कमिंग। 3 more days to go Kashmir. Okay, so I am in Punjab. ये जगह का नाम है दसवा है ना, यहाँ पे आए मेट मैं इनसे मिला, ये डॉक्टर है। मैं बहुत देर से ना पिछले कुछ टाइम से डीमोटिवेट सा हो रखा था कि सुबह चेन टूट गई, स्टैंड खराब हो गया। आई मेट हिम अब मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, हम लोग ने गन्ने का जूस पिया साथ में, एंड प्रोबेबली ही विल अरेंज अ प्लेस फॉर मी इन पठानकोट टुडे। सो ऐसे यार लोग मिलते हैं ना, मुझे लिटरली बहुत मोटिवेटिंग लगती है चीज़ें। तो आप भी बोलोगे? थैंक यू सो मच फॉर योर हैप्पी जर्नी। पठानकोट 12-13 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं अकेला बंदा हूँ जो साइकिलिंग कर रहा हूँ इस हाईवे पे लगभग काफ़ी किलोमीटर से, और कभी कभी ना स्कैरी हो जाती है ये चीज़ क्योंकि ना बाइक होती है ना गाड़ी होती है, आसपास दो चार लोकल होते हैं बस, और वो अजीब सी तरीके से देखते हैं ना तो थोड़ा डर सा लगता है, करेंगे तो कुछ नहीं चीज़ें ही छीन सकते हैं, बट स्टे पॉजिटिव, ह्यूमैनिटी तो हर जगह ही है। और आज भी मैं काउच सर्फिंग की थ्रू पठानकोट में रहने वाला हूँ, सो जब से मैं घर से निकला हूँ मैंने अभी तक कोई होटल नहीं लिया है, और वहाँ जाके बताता हूँ यार।
मेरे दिन की शुरुआत ही आज थोड़ी बेकार हुई थी। पहले मैं काफ़ी लेट निकला, ऊपर से चेन टूटी, डेढ़ घंटा ख़राब और फिर ये टाइम। साइकिलिंग एट 7:30 और जगह आने वाली है पठानकोट और मैं बहुत बड़ा रिस्क है। आंटी हेल्प कर दो, ये सब साइकिल की चेन टूटने की वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अंधेरे से दिख ही रहा होगा कि पहाड़ों में 6 बजे के बाद ऐसी हो जाता है। ट्रैवलिंग विद अ रिस्क। होपफुली तुम्हें मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी। गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अ करंट अपडेट। जस्ट बिकॉज ये वीडियो लगभग 3 से 4 दिन बाद आती है, सो आपको लाइव अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मेरी स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा है। द टाइम वॉज 8:30 एंड देन दिस हैपेंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे। जिस चीज़ के बारे में सोचा था वही हो गया, चेन टूट गई फाइनली और मैं पहुंचा नहीं हूँ और अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो फाइनली जो नहीं सोचा था वही हो गया, चेन टूट गई और ये भी टूट गया। मैं सोच रहा था ये आज पहुंच जाऊंगा तो लग जाएगा, बट एंड मैं पता नहीं कहां पर हूँ। सो कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। ओके सो एक बैड न्यूज़ है, साइकिल की चेन पठानकोट से 22 किलोमीटर पहले टूट गई है। सो आई एम वेटिंग क्या होता है क्या नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट मैं पठानकोट आज पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता मुझे नहीं पता, बट ये मेरा हेलमेट है, मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूं। ये लोग अगर इनमें से कोई रुकता है, कोई ट्रक रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पता नहीं यार। गाइज आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, देख रहे हो कुछ भी नहीं है यार। एंड दिस इज़ द एक्चुअल फन इन ट्रैवलिंग अलोन सोलो। अगर मैं अकेला होता ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेरे पास बाइसिकल है तो वो प्रॉब्लम है। तो मैं एक दुकान है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और वो रही अपनी बाइसिकल। गाइस फाइनली लाइक आई एम लीविंग और मुझे मिल गई ये जगह और किसने मुझे हेल्प किया ये मैं आपको बताऊंगा अभी 2-3 सेकंड बाद। ये आपको होल्ड करना पड़ेगा जब मैं उतरूंगा, लाइक यहाँ से जब मैं गाड़ी से साइकिल निकालूंगा तब मैं आपको बताता हूँ हु हेल्प मी टुडे। थैंक यू सो मच। ऐसे अभी मैं होटल में हूँ, मैं हूँ कटरा में और गाड़ी से साइकिल निकालते वक्त की वीडियो मैं बना नहीं पाया, जस्ट बिकॉज मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गया था उनसे। और ट्रैवल का ना एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि हम थोड़े टाइम में किसी से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि जब वो जाता है और वो जाएगा भी, जस्ट बिकॉज हमें भी अपना ट्रैवल कंटिन्यू करना है और उन्हें अपने घर जाना है। सो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है, बाकी सब बढ़िया है। और ये है उनकी फ़ोटो जो आप देख रहे हो। सो बाकी आगे देखो। फाइनली मुझे ये रूम मिल गया है और मैं हूँ अभी पठानकोट में और जिस बंदे ने मेरी हेल्प की, जिस इंसान ने, लाइक आई एम सीरियसली हैप्पी ब्लेस्ड, वो मुझे आज ही मिले थे।
दोपहर में, और शाम को मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो गया, चेन टूट गई जो आपने अभी वीडियो में देखा। और मैंने एक ही कॉल किया भैया को, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे हो गया, एंड लिटरली वो 40 या 50 मिनट में मेरे पास आ चुके थे। और उनके लिए मैं उस दोपहर वाली मीटिंग से पहले एक अननोन बंदा था। सो आई एम सीरियसली ब्लेस्ड कि ट्रैवल में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, वो एक फैमिली की तरह मेरी हेल्प करके गए, एक कॉल पे मेरे पास आ गए। सो कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत इमोशनल हो जाती हैं ट्रैवल में, स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग में। साइकिल का इशू था, तो अब वो जब यहाँ से मुझे छोड़ के गए, उन्होंने बोला वापसी में मोहित मेरे घर ज़रूर आना। लाइक वो गुरदासपुर में रहते हैं और मैं कहीं पठानकोट के आसपास, वो इशू हुआ था। लाइक 50 या 40 किलोमीटर्स उन्होंने ड्राइव किया, फिर मुझे यहाँ तक छोड़ के गए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और ये मेरा रूम है कुछ ऐसा, हाँ ऐसी है, बट आई एम गुड। मुझे बस बेड चाहिए और एक ब्लैंकेट चाहिए। काउच सर्फिंग चले ना चले, ह्यूमैनिटी जिंदा है ना, तब तक ट्रैवल करने में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। और आई डोंट नो इंडिया के बाहर क्या सीन है, बट इंडिया में ना अभी तक मेरा बिलीव ये है, ये मेरी पहली सोलो साइकिलिंग ट्रिप है जो कि सबसे हार्ड है कश्मीर टू कन्याकुमारी। पता नहीं मैं कितने कितने लोगों से कितने एडवेंचर मिलेंगे, बट ये जो भैया थे ना मेरे लिए, फॉर सीरियसली आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग दिस टाइम, बट ही वॉज जस्ट अमेजिंग। सो अब जब मैं आप वापसी की जो 2-4 दिन बाद वीडियोज आएंगी, उस वीडियो में जब उनकी घर पे जाऊंगा गुरदासपुर में, कन्याकुमारी से स्टार्ट कर, ओ सॉरी श्रीनगर से स्टार्ट करके जब नीचे मैं जाऊंगा तो उनसे मिलते हुए जाऊंगा। सो गाइज स्टे कनेक्टेड, होपफुली आपको ये एडवेंचर पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को भी पसंद आया, बट बीच में मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था 8:30 के करीब और वहाँ कोई नहीं था, दोनों तरफ जंगल था और खेती थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बट जब तक ह्यूमैनिटी है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टे सेफ, स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल सफरनामा विद मोहित। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।